प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी पर बनी फिल्म की इस स्क्रीनिंग का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। फिल्म में मोदी का किरदार निभा रहे विवेक आनंद ओबेरॉय यहां चाय बांटते नजर आए। फिल्म पीएम मोदी की इस खास स्क्रीनिंग पर कई दिग्गज सितारे पहुंचे। फिल्म के प्रोड्यूसर संदीप सिंह काफी खुश दिखे। फिल्म में अटल बिहारी वाजपेयी का किरदार निभा रहे अंजन श्रीवास्तव भी चहकते नजर आए। फिल्म के डायरेक्टर उमंग कुमार, विवेक के पिता और फिल्म में उनके गुरु बने सुरेश ओबेरॉय, दिव्या खोसला कुमार सब ने इस खास स्क्रीनिंग में पूरे उमंग के साथ शिरकत की। इस मौके पर विवेक ओबेरॉय ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को भी खास न्योता दे डाला। बस खुश हूं और मैं सोच रहा था कि मुझे राहुल गांधी जी को और कांग्रेस से सर बड़े नेता जिन्होंने हमारी फिल्म को रोकने की कोशिश की, मैं चाह रहा था कि पूरी विनम्रता के साथ उन सबको मैं इनवाइट करूं कि वो आए कल हमारी फिल्म देखें। अब तो हार गए हैं तो थोड़ी छुट्टी ही है उनके लिए, तो आए हमारी फिल्म देखें और शायद मोदी जी की ये कहानी देखकर उन्हें भी कोई प्रेरणा मिले, उनकी पॉलिटिक्स में भी कोई अच्छा बदलाव आए। बहुत बहुत खुशी हो रही है कि हमारी फिल्म कल रिलीज हो रही है और आज नरेंद्र भाई की इतनी बड़ी जीत हुई है। खुश हैं कि जितने नरेंद्र भाई के फैंस हैं, मुझे लगता है कि वो इस देश के सबसे बड़े हीरो हैं और सबसे असली हीरो हैं, और उनके सब फैन कल हमारे साथ इनकी जीत की जश्न मनाएंगे थिएटर्स में पीएम नरेंद्र मोदी ये फिल्म देखकर। और इस इंसान, इस वर्चस्व के पीछे क्या कहानी है वो कल देखेंगे थिएटर्स में। 40 देशों में रिलीज़ हो रही है हमारी फिल्म। बहुत खुश हूँ मैं, आज हमारे लिए जैसे आपने कहा डबल सेलिब्रेशन है। फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी में माँ का किरदार निभा रही जरीना वहाब भी काफी खुश दिखी। फिल्म देखने वो अपने परिवार के साथ पहुंची। Honestly, I'm very, very happy and I'm very proud. This film is going to release tomorrow and the result positive, so I'm so happy and I wish everybody all the best. फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी पूरे देश में 1000 के करीब स्क्रीन्स पर शुक्रवार को रिलीज हुई। फिल्म के आने वाले दिनों में तमाम और थिएटर्स में भी रिलीज होने की बातचीत चल रही है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।